भारत गांवों में बसता है। गांव ही भारत की आत्मा का आधार है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण भारत ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमारे देश में वेदों के समय से ही सड़क निर्माण की परंपरा रही है। सड़कें आर्यों के समय से देखी गई हैं। परिवहन प्रणाली बहुत ही योजनाबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से निपुण थी। पौराणिक काल से ही लोग रथ एवं जानवर द्वारा हांकी गई गाड़ियों द्वारा कच्ची पक्की सड़क पर यात्रा करते थे। सम्राट अशोक के समय से ही जनहित के लिए निर्माण कार्य किए गए, जैसे विश्राम गृह निर्माण, सड़क के किनारे निरंतर दूरी पर कुओं की खुदाई, यात्रियों की सुविधा के लिए फल एवं छायादार वृक्षों का रोपण। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सड़कों के विस्तृत जाल का निर्माण हुआ। इसके अलावा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सरायों एवं कोस मीनार का भी निर्माण हुआ। सड़क ए आजम, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, उसका भी निर्माण इनके राज में हुआ, जो व्यापार, यातायात एवं दूर संचार के लिए मुख्य मार्ग बना। स्वतंत्रता के समय अधिकतर गांवों में यातायात के साधनों का अभाव था। उनमें से भी केवल 20% गांवों में पक्की बारहमासी सड़कें थी। यहाँ के लोगों के बहुत से सपने हैं, लेकिन उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। मान लीजिए कोई सड़क का ठेका आया है तो उसको 500 मीटर बनाई जाती है या 100 मीटर बनाती है, फिर बरसात आती है तो इधर वाली कट जाती है, वो उधर वाली बन जाती है। और जब अगर पुलिया का ठेका आ गया तो वो पहले जो सड़क बनाई गई थी वो सड़क मिट गई, तो सड़क मिट गई तो पुलिया बन गई, पुलिया मिट गई तो सड़क बन गई। बीमार हो जाते हैं तो जब आगरा को ले जाते हैं मरीज, ना कोई डॉक्टर नहीं है, खटिया पे धर के ले जाते, मानो ले तो ना बच्चा खत्म ही हो जाते। संपन्नता पहले भारतीय नगरों और उपनगरों तक ही सीमित थी, लेकिन आजादी के बाद यातायात तंत्र के पुनर्निर्माण का दृष्टिकोण बदला, उसे हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। एक ओर देश के कई क्षेत्रों में संसाधन विहीन गरीब जनता आधारभूत सुविधाओं के इंतजार में है, दूसरी ओर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का लाभ पा चुके लोग इन सुविधाओं को अपना अधिकार समझते हैं। अध्ययन के अनुसार सड़क निर्माण में लगे प्रत्येक 1 करोड़ रुपए से लगभग 1650 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिलती है। केंद्रीय योजनाओं के दौर में ग्रामीण भारत की बनिस्पत औद्योगिक विकास में निवेश को प्रमुख माना गया। ग्रामीण आधारभूत ढांचे में निवेश से संपूर्ण आर्थिक व सामाजिक विकास होता है, इस अनुभव के बाद अब ग्रामीण भारत बदल रहा है। सड़कों का हमारे पास एक विशाल तंत्र है। भारत में कुल 33 लाख किलोमीटर सड़कें एवं मार्ग हैं, जिनमें से 58,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 1,35,000 राज्य राजमार्ग हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख किलोमीटर सड़कें 6 लाख गांवों को आपस में जोड़ती हैं। ग्रामीण भारत एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ग्रामीण भारत के लिए विकास का मार्ग तो सड़कें ही हैं। यह भली भांति जान लिया गया है कि ग्रामीण विकास में सड़कें उत्प्रेरक हैं। सड़कें भारत को जोड़ती हैं। गांवों का पक्की बारहमासी सड़कों से जुड़ना उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा करता है। गरीबी उन्मूलन और देश भर में लागू विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दिसंबर 2000 में लागू किया, जो 100% केंद्रीय निधि से पोषित है। इसके अंतर्गत पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली और मैदानी इलाकों में 500 से अधिक आबादी वाली बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य था शहरों एवं गांवों की दूरी को कम करना। लगभग 1,73,000 बसावटों को PMGSY कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इस योजना में लगभग 3,66,000 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण 78,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से है।
साथ ही 3,73,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत अनुमानित 59,000 करोड़ रुपए की लागत से है। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अंत तक लगभग 64,000 बसावटों को शामिल किया गया है और ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 42,980 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। देश भर में 1,15,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। गाँव में बसने वाले लोगों को सारी शहरी सुविधाएं दी जाए, उसमें है सबसे एक नंबर में सड़क। जैसे शरीर में नस नस, नली, धमनी, इस सभी के जरिए खून शरीर में फैलता है, वह शरीर तंदुरुस्त रहता। उसी तरह से गांव के लोगों को भी सड़कों का जाल और सुदृढ़ सड़क, अच्छी सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी दी जाए तो हिंदुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ग्रामीण सड़कें करोड़ों ग्रामीणों के लिए वास्तविक जीवन रेखा है। आवागमन की बेहतर सुविधाएं अच्छे सड़क संपर्क से संभव हुई हैं। साथ ही शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को बाजार तक लाने ले जाने के समय में कमी आई है। इन ग्रामीण सड़कों ने न केवल किसानों, बीज, फर्टिलाइजर्स और कृषि उपकरणों के लिए सुगम राहें खोली हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र के ढांचे को नवीनीकृत करने में भी सहायता दी है। फसलों में विविधता आई है क्योंकि बाजार अच्छी बारहमासी सड़कों से जुड़ गए हैं और सभी आय वर्ग के किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है। फसल पद्धति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। खाद्य फसलों का स्थान नकदी फसलों जैसे अदरक और गैर मौसमी सब्जियां और फल आदि ने ले लिया है। गांवों में सड़कों के निर्माण के बाद स्वास्थ्य संबंधी पद्धति जो अब तक उपेक्षित थी, तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। अब आधुनिक निदान और जीवन रक्षक सुविधाएं आसानी से मुहैया हैं। जब गांव में सड़क बनती है तो गांव की निकासी और स्वच्छता के साधनों में भी सुधार आता है। गांव के बच्चे अब आसानी से स्कूल जा सकते हैं। गांव से बाहर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। माता पिता भी अब अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में आश्वस्त हैं। अच्छी ग्रामीण सड़कों ने ग्रामीण यातायात का नक्शा ही बदल दिया है। अब लोग अधिक से अधिक यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही वाहनों का स्वामित्व भी बढ़ा है। यातायात सुविधा के कारण न केवल गांव वालों के समय का सदुपयोग होता है बल्कि उनका जीवन स्तर भी बढ़ गया है। तार रोड बटन पड़े सीकर अटंड पड़ी अरे मेरे ट्रांसफर पुरुष वेकूँ குயிக்காக வேலையாயிருதுங்க. அதனால் கன்சூமர் சைட்லேருந்து எந்த ரிப்போர்ட்டும் வர்றதில்ல. ஆஃபீஸ் மட்டத்தில் நல்ல பேருங்க. பகுத் ஃபாயதா ஹே காவ் கே ரோஷனியே பதல் கே. பப்ளிக்கே சல்னே மே சுவிதா ஹே. ஜி காவ் கே பூச்சே நஹி ஹே. ரோட் பினா ரோட் கே. அப் ரோட் ஹோ கயா த பூச் ஹோ கயா காவ் கே. காவ் மே சடகோ கா நிர்மாண் ஹோனே சே ஸ்தானியே கச்சே மால் பர் ஆதாரித் ஔத்யோகிக் இகாயியோ கி ஸ்தாபனா கா சுஅவசர் பீ உத்யமியோ கோ மிலா ஹே. ஜிஸ்ஸே கிராமீண உத்யோகோ கோ மஸ்பூத் ஹோனே மே சஹாயதா மிலி ஹே. ये तो स्वाभाविक है कि यातायात के नए साधनों के कारण सड़क के किनारे साइकिल एवं मोटरसाइकिल की मरम्मत की दुकानें खुली हैं। साथ ही यात्रियों की जरूरत के लिए चाय, जलपान आदि की दुकानें भी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। सड़कें उन गरीब और पिछड़े लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालती हैं जिनके पास अपने उत्पादन के संसाधन नहीं है। ग्रामीण सड़क संपर्क ने कई स्वरोजगार परक योजनाओं की पहुंच को बढ़ावा दिया है जो कि साधन विहीनों के स्व सहायता समूह के निर्माण में विश्वास रखती हैं। सड़कें विशेष रूप से रोजगार परक अवसर प्रदान करती हैं और ये कृषि या गैर कृषि स्थानों पर हो सकते हैं। गांव की सड़कों ने अब दूर दराज के रहने वाले लोगों के सामाजिक तंत्र का भी विस्तार किया है। अब शादी करने के क्षेत्र का दायरा बढ़ा है। बैंक और डाक सेवाओं में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। गांव की सड़कों ने ग्रामीणों की सुरक्षा को भी मजबूत किया है क्योंकि वो जानते हैं कि अब प्रशासन उनकी पहुंच में है। ग्रामीण सड़क संपर्क अपने आप में अंतहीन है क्योंकि ये एक साधन है। सड़कें बहुमुखी साधन की भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क ने आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिया है और लगातार गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
rural India should be seen as a growth engine. Bharat Nirman would be the platform on which my government will construct its new deal for rural India. Bhaiyo aur behno, bunyadi dhanche ke baghair Bharat ke grameen ilake vikas nahi kar payenge. Isliye humne Bharat Nirman ki ek yojana banayi hai. Bharat Nirman ke tahat aise sabhi gaon jinki abadi ko 1000 se zyada hokar aur pahadi ilakon mein 500 se zyada ho sadkon se jod diye ja sakenge. Mujhe pura yakeen hai ki Bharat Nirman se hamare grameen ilake tezi se viksit ho payenge. सरकार ने ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए पक्की बारामासी सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता देते हुए भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। 1,74,000 करोड़ रुपए वाले इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 दिसंबर 2005 को लागू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना है। इसके अंतर्गत विकास की नई संभावनाएं, समानांतर अवसर प्रदान करना और ग्रामीण भारत को प्रगति के नए आयाम उपलब्ध कराना है, जिसमें पीने का पानी, आवास, घरेलू विद्युत, संचार साधन, सिंचाई, साथ ही ग्रामीण सड़क शामिल है। गांवों में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना है, जिसे राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, मुख्य अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इंडियन रोड कांग्रेस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के निर्देशन में तैयार किया है। हालांकि इंडियन रोड कांग्रेस सड़कों के विकास के लिए पहले भी कई योजनाएं बना चुकी है, फिर भी एक विशेष दीर्घकालीन दृष्टिकोण की जरूरत थी। इसका उद्देश्य है संचालन योजना तय करना, दृढ़ता का विवरण, जिससे ग्रामीण सड़क तंत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत वो गांव भी जुड़ पाएंगे जो PMGSY योजना में शामिल नहीं है। नए सड़क संपर्क के लिए विजन दस्तावेज ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को अच्छी बारामासी सड़क संपर्क वर्ष 2009-2010 तक, 500 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को सड़क संपर्क वर्ष 2014-2015 तक, 250 से अधिक जनसंख्या वाले बसावटों को सड़क संपर्क वर्ष 2024-2025 तक। विजन दस्तावेज अब केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता करेगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और सड़क संपदा के ठोस प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार कोर नेटवर्क के विचार को भी प्रस्तुत कर चुकी है। कोर नेटवर्क में सभी थ्रू रूट्स और लिंक रूट शामिल हैं। गांव की सड़कों के लिए समर्पित निर्देशों और स्टैंडर्ड डेटा बुक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी देश भर में मजबूत निर्माण के तौर तरीके पहले ही दे चुकी है। विजन दस्तावेज में कई विस्तृत दिशा निर्देश है और ग्रामीण सड़कें अब अभियांत्रिकी और परिकल्पना पर केंद्रित होंगी, जिसमें विशेष रूप से ड्रेनेज और प्रोटेक्शन वर्क पर ध्यान दिया जाएगा। पर्याप्त निकासी समय से पहले सड़कों को टूटने से रोकती है। कम लागत की बिटुमेन सीलिंग तकनीक जैसे सरफेस ड्रेसिंग को कम कीमत के उपकरण और श्रमिक प्रधान तकनीकों के साथ व्यवहार में लाया जा रहा है। लाइम फ्लाई ऐश और सॉयल सीमेंट के इस्तेमाल पर ध्यान कम निकासी वाले क्षेत्रों में दिया जाएगा। स्टेज कंस्ट्रक्शन तकनीक, जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, ऐसी सभी ग्रामीण सड़कों के लिए आदर्श साबित हो सकते हैं जिन पर यातायात कम है। स्टेज कंस्ट्रक्शन का विचार इस धारणा के साथ है कि प्रत्येक निवेश सड़कों के निर्माण के विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। कंकड़ बिछी सड़कों को शुरुआती दौर में छोटे बसावटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि सड़कों की सुगमता में और सुधार आ सके। आज ये महसूस किया जा रहा है कि स्थानीय मौजूदा पदार्थों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की जरूरत है और भूमि को स्थिरता प्रदान करने वाली तकनीकों को कम यातायात वाली ग्रामीण सड़कों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अब ऐसी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा जो आवश्यक विशिष्ट और महंगी मशीनों पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके कारण स्थानीय ठेकेदार प्रभावशाली रूप से भाग ले सकेंगे और साथ ही स्थानीय कार्यकुशलता और क्षमताओं को कुछ प्रशिक्षण के बाद काम में ला सकेंगे। अब ऐसे हल्के उपकरणों को इस्तेमाल में लाने का अवसर प्रदान हुआ है जो सड़क निर्माण के भारी उपकरणों की तरह ही काम करते हैं। हमारे उपकरण उद्योग को भी आसान तकनीक वाली मशीनों के उत्पादन करने की आवश्यकता है, जैसे पेडेस्ट्रियन रोड रोलर्स, चिप सीलिंग मशीनें, इमल्शन को फैलाने वाले साधारण उपकरण और कम क्षमता वाले कोल्ड मिक्स प्लांट आदि। सड़क निर्माण की गुणवत्ता आगामी ग्रामीण सड़क कार्यक्रमों का आधार बन चुकी है। एक सक्षम गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता निरीक्षण पद्धति ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा विकसित की गई है, ताकि जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो। निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के जरिए गुणवत्ता के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाता है। इस कार्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विभिन्न राजकीय संस्थाओं तथा प्रशिक्षण केंद्रों का भी सहयोग उपलब्ध है। सही निर्देशों और पारदर्शी मानक बोली प्रक्रिया से योग्य ठेकेदारों का चयन किया जाता है, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ साथ समय पर पूरा हो। कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इंजीनियर्स, ठेकेदारों के कर्मचारी, विशेषज्ञों और प्रयोगशाला के तकनीशियनों को कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रोड रोलर चालकों, हॉट मिक्स प्लांटों के चलाने वालों और दूसरे उपकरणों के चालकों को और अधिक निपुण बनाने के लिए विभिन्न राजकीय स्तर के तकनीकी संस्थानों या दूसरे प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान ग्रामीण सड़कों की योजना, परिकल्पना एवं इंजीनियरिंग मापदंडों के पालन के लिए किया जा रहा है। ग्राम वासियों में भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लानी होगी। सामान्यतः ग्रामीण सड़कें गांव में लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे रास्तों का ही अनुसरण करती आ रही हैं और पर्यावरण पर इन बारहमासी सड़कों का असर कम होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में होगा, जिससे ढलान स्थिर हो जाए। वृक्षारोपण का विशेष प्रावधान पर्यावरण को बेहतर बनाने और यात्रियों को छाया देने के उद्देश्य से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सड़कों के रखरखाव में छोटी धनराशि खर्च करना अच्छा होता है, बनस्पत की उस सड़क का दोबारा निर्माण अधिक धनराशि खर्च करके किया जाए, क्योंकि उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने सड़कों के रखरखाव संबंधी प्रक्रिया के सुधार करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसमें सड़क के रखरखाव का आश्वासन 5 साल तक के लिए उसी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा जिसने उसे बनाया है। लेकिन जैसा विजन दस्तावेज में प्रस्तावित है, केवल PMGSY में बनी सड़कों की ही नहीं बल्कि सभी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की आवश्यकता है। ग्रामीण सड़कों का संपदा मूल्य 2,00,000 करोड़ रुपए आंका गया है। ये एक बहुत बड़ी संपदा है जिसे बेहतर रखरखाव की आवश्यकता है, ताकि बाद में इन्हीं सड़कों के पुनर्निर्माण में 3 से 4 गुना खर्च न उठाना पड़े। उपयुक्त तकनीक के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि कम खर्च वाली प्रभावशाली डिजाइन का निर्माण हो सके। इस दिशा में दीर्घकालीन शोध की आवश्यकता है, जैसे कम कीमत वाली निकासी पद्धति, क्षरण नियंत्रण उपाय, स्थायीकरण तकनीक का विकास, उपयुक्त कार्यकुशल खड़ंजे की परिकल्पना का विकास, कोल्ड मिक्स तकनीक एवं इमल्शन का प्रयोग और कम कीमत वाले तकनीकी उपकरणों की परिकल्पना और उत्पादन। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान और दूसरे शैक्षिक संस्थानों को पुनः संगठित होकर ग्रामीण सड़क क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इंडियन रोड कांग्रेस और अन्य संस्थानों को भी सड़कों के आधारभूत ढांचे के इस महत्वपूर्ण भाग पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं NRRDA इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग देंगे।
विशेष ग्रामीण सड़क संगठन जो आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञताओं को सुनिश्चित करेंगे इस दस्तावेज के तहत आएंगे। छोटे ठेकेदारों को सहयोग देने के लिए उपकरण बैंक की धारणा को प्रोत्साहित करना होगा। अगले 20 वर्षों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बड़े निवेश की योजना है। इसके तहत भारी संख्या में आवश्यकता होगी व्यावसायिक इंजीनियर्स तकनीशियनों और उपकरण चलाने वालों एवं कारीगरों की। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निथे CRRI CIDC जैसे प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देगा। अगले 20 वर्षों में नवनिर्माण के लिए लगभग 5,80,000 किलोमीटर सड़क के साथ पहले से तैयार 6,40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के नवीकरण की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम की कुल लागत वर्तमान मूल्य के अनुसार लगभग 2,08,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। वार्षिक निवेशों को बहुत तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता होगी और विजन दस्तावेज की सिफारिशों के अनुसार निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा रखरखाव के लिए रूरल रोड मैनेजमेंट एक्ट पर भी विचार किया जा सकता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश के विकास का कोई मतलब नहीं है। हमने काफी प्रबंध किया है और सरकार का पूरा जोर है गांव की सड़क भी अच्छी हो, इसलिए रूरल रोड विजन देश के लिए अगली दूरदृष्टि होगी। विजन 2025 को अपनाने के लिए ये कदम उठाने की आवश्यकता है। विस्तृत पंचवर्षीय कार्य योजना की परिकल्पना, रूरल रोड मैनेजमेंट का विधान, संसाधनों का निर्धारण और स्थानीय पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल, सस्ती एवं सरल तकनीक वाले उपकरणों के निर्माताओं के साथ बातचीत, मियादी समीक्षा और विजन में निरंतर सुधार, मूल्य प्रभावित तकनीकों में शोध और विकास की भूमिका को बढ़ाना। ग्रामीण भारत को जोड़ना केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि विकास के साधनों को गरीबों तक पहुंचाना है। एक अच्छे रखरखाव और विस्तृत जाल वाली सड़कें नए शक्तिशाली एवं पुनर्जीवित भारत के निर्माण में रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। ग्रामीण सड़कों पर आगे बढ़ रहा है प्रगतिशील भारत।